हेलो फ्रेंड्स, तो गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आज हम घूमने के लिए आए हैं फन डोर, जो कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय होता है। यहाँ पर ली जाती है टिकट, तो यहाँ पर पर्सन एंट्री है 100 रुपीज़। और इसके बाद आपको कार्ड लेना पड़ता है, जो भी गेम आप अंदर खेलते हैं तो उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। और ये यहाँ का पूरा मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये है होटल सामने। इसके बाद हमने अपने टिक्कू के लिए लिया था फ्रेम, जो कि रेंट पर था, 100 रुपीज़ का रेंट था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तरह तरह के गेम हैं। देख सकते हैं ये स्काई जिला, यहाँ पर रोप से पकड़कर आप चलते हैं, पर यहाँ पर सेफ्टी का काफी ध्यान रखा गया है। तो इसके बाद हम लोग आए थे किड क्लब, और यहाँ पर है 200 रुपये पर बच्चे की टिकट, 1 घंटे का यहाँ पर 200 रुपये लगता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया हमारे बच्चों ने।
किट क्लब में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था हमारे टिक्कू ने। इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ बॉल के अंदर और वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर बज रहा था साउंड, तो निक्कू कर रहा है यहाँ पर डांस। के बाद हम लोग आए थे यहाँ पे गेम जोन, तो यहाँ पर तरह तरह के गेम हैं, कुछ गेम पेवल हैं और कुछ गेम फ्री भी हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है कार रेसिंग, इसका भी चार्ज 300 रुपीज़ है पर पर्सन। इसके बाद मैंने की थी जंपिंग, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके बाद हमारे निक्कू ने भी की थी ये जंपिंग, उसे भी काफ़ी अच्छा लगा, उसने बहुत एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग आ चुके थे बाहर और आप देख सकते हैं यह तरह तरह के गेम हैं, यहाँ के चार्जेस भी लिखे हुए हैं और नाइट में देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है।
और इसके बाद हम गए थे खाने पर। तो जो टिकट आपको यहाँ पर मिलती है 100 रुपीज़ की, उस पर एक तो उस पर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस होती हैं। तो हमने मंगाई थी पाव भाजी, राजमा राइस और छोले भटूरे, और हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। तो इसके बाद जो लोग भी इंदौर में रहते हैं और जो लोग भी कभी इंदौर घूमने आए हैं तो एक बार आकर यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी अच्छा जगह है और काफ़ी इंजॉय होता है यहाँ पर। तो कभी कभी हमें अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए और उनके साथ भी इंजॉय करना चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग को करना चाहूँगी यहीं पर एंड। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, टेक केयर, बाय।